राजस्थान यूथ कांग्रेस का आज हल्ला बोलता संगना था, युवाओं को रोजगार और किसानों को सम्मान और न्याय देने की बात यहाँ पे करने वाले थे, लेकिन हाल फिलहाल सेकंड बैरिकेडिंग में जो तीन लेयर की बैरिकेडिंग थी उसको नहीं तोड़ पाए और उनको वापस यहाँ से रवाना होना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यहाँ पर जो है वो लाठीचार्ज भी किया गया, पुलिस द्वारा भयंकर रूप से लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारें की गई है। हाल फिलहाल यहाँ पर रास्ता साफ है, ट्रैफिक खोलने की बात कही जा रही है, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा एक तस्वीर मेरे सामने आ रही है। ये एक युवा कांग्रेस है जिसके पीठ पे देख सकते हैं बाकायदा पुलिस की बर्बरता जो है वो साफ साफ बयां कर रही है। ये दाग जो है ये पूरी की पूरी पीठ पे जो लाठी चार्ज हुआ है, लाठी है वो पूरी पूरी कहीं ना कहीं ये देखिए दिखाने का काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें कि ये हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि पुलिस की जो बर्बरता है वो यहाँ पर सामने बयां हो रही है। देखिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए हाल फिलहाल की स्थिति यहाँ पे ये है कि तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं बीवी नसीम बीवी जो यहाँ पे पहुँचे थे, क्या मानते हैं आपके कार्यकर्ता, चोट भी लगी है? देखिए राजस्थान के अंदर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 5000 युवाओं को राजीव गांधी युवा मित्र के माध्यम से रोजगार प्रदान किया था, लेकिन ये भाजपा की सरकार आते ही इन्होंने सर्वप्रथम युवाओं को 5000 युवाओं को बेरोजगार किया है। उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको दबाने के लिए आज पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि लाठी चार्ज से युवा की आवाज़ दबने वाली नहीं है। अब लोकतांत्रिक तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, युवाओं के हकों की आवाज़ उठाएंगे और उनको हर संभव न्याय दिलाने के लिए यूथ कांग्रेस अपना हर संघर्ष करेगी और हर समय हम युवाओं के लिए तैयार रहेंगे। देखिए आपके पास पानी की बौछारी की गई आपके ऊपर, लाठी चार्ज भी किया गया बाकायदा, फिर भी आप बैरिकेडिंग नहीं तोड़ पाए। सीएम हाउस का आपको घेराव करने की पहले बात कही थी, लेकिन हाल फिलहाल किस प्रकार मानते हैं कि लोकतंत्र जो है उसमें विरोध करना सबका अधिकार है? बिल्कुल, भारत लोकतांत्रिक देश है और ये विरोध करना सबका अधिकार है। और युवा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जाकर युवा के हकों की बात बताना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए अनैतिक तरीके से युवाओं पर लाठीचार्ज की, जिसमें काफी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसको सरकार, मुख्यमंत्री और सरकार तक बात नहीं पहुंचाने दी और हमें विश्वास है कि हम आगे युवा के हितों की लड़ाई इसी तरीके से लड़ते रहेंगे और राजस्थान सरकार को युवा हितों में कार्य करने के लिए विवश करेंगे। देखिए युवा है वो लगातार यहाँ पे अपनी मांग कर रहा था, आगे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो लाठीचार्ज किया गया है, पानी की बौछार की गई है, उसके बाद में यहाँ पे रोक दिया गया है। हाल फिलहाल मामला शांत है, लेकिन जो युवा जिसके एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको पीठ में गंभीर चोट लगी है, हमने पहले तस्वीर दिखाई, उनसे भी बात करेंगे इस बार मानते हैं पूरे माहौल को। देखिए जैसे सत्ता में बैठी हुई भजनलाल चिट्ठी की सरकार युवाओं को दबाने की कोशिश कर रही है, जैसा हम अपनी हक और अधिकार की बातें लेकर हम मुख्यमंत्री जी के आवास पर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए हम युवा साथियों को उसी प्रकार जिस प्रकार बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को कीलों के माध्यम से, कंटेनर के माध्यम से उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, उसी प्रकार हम युवाओं को यहाँ पर पुलिस बल के द्वारा यहीं पर रोक लिया गया। और आपने देखा होगा कि 5% ही लाठी की जानकारी आप तक पहुंच पाई होगी, अंदरूनी इतनी जबरदस्त चोटें दी है पुलिस ने हमें कि हमारे युवा साथियों को जबरदस्त तरीके से घायल किया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं चिट्ठी की सरकार को कि वो कितना ही कुछ भी कर ले, हम युवा दबने वाले नहीं है, वो हमें थानों में ले जाइए, पूरे राजस्थान को थानों में तब्दील कर देंगे तो भी उनकी जेलें कम पड़ जाएगी। हम किसान, मजदूर, दलित, पीड़ित, शोषित महिलाओं की आवाज़ को कभी भी दबने नहीं देंगे। आप देखिए मेरे साथ वो शख्स भी ये मौजूद है, दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक लाठी चार्ज यहाँ पे किया गया था, बर्बरता यहाँ पे पुलिस के द्वारा की गई थी इस युवा पे, और युवा कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। बात कर लेते हैं, आपने कार्यकर्ता हो, प्रदेश सचिव राजस्थान यूथ कांग्रेस, आपके यहाँ पे लाठी बहुत भयंकर लगी है जी। बड़े प्यार और सम्मान के साथ में इन्होंने हमें परोसी है तो हमें शहर स्वीकार करिए, ये हम हमारे साथियों के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे थे, बेरोजगार साथियों के पक्ष में, किसानों के समर्थन में हम लोग ये कर रहे थे, तो इन्होंने हमें दिया है, हमने शहर स्वीकार किया है। और पूरी ज़िंदगी में अगर हमें किसानों के साथ में, किसानों के सम्मान में, बेरोजगार साथियों के सम्मान में ये प्रदर्शन करना पड़ेगा और इसका परिणाम ये होगा तो हम इसे सहर्ष भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये रंगा बिला की सरकार याद रहे कि ये युवा है, जब जब भी युवा बोला है सिंहासन भी डोला है, इस रंगा बिला की सरकार का सिंहासन भी राजस्थान से डोलेगा, हम लोग यहाँ से इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सामने लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसका परिणाम इन लोगों को देखने को समझ में आएगा। इन्होंने 5000 लोगों की एक साथ में जो नौकरियाँ खत्म की है, इनका बहुत बुरा परिणाम आएगा निकल के, आप देखना कि ये इतने परिवारों की बद्दुआ इन लोगों को लगेगी। इन्होंने लोकतंत्र पे जो कुठाराघात किया है, ये नहीं चाहते कि संघर्ष
सड़कों पे आए, ये नहीं चाहते कि रोजगार के नाम पे कोई रोड सड़क रोड पे लोग आए, ये चाहते हैं कुचेष्टा से सरकार बने और व्यवस्थित तरीके से चलती रहे। ये तानाशाही की सरकार है साहब, ये हिटलर जनरल डायर को मानती है, ये हिटलर को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने देखिए, जब हम लोग CMO जा रहे थे तो यहाँ से महज 100 मीटर नहीं है, 100 मीटर की दूरी पे इन्होंने यहाँ पे रोक करके इतना बुरा बर्ताव किया है, इतना प्यार और सम्मान से इन्होंने जो बर्ताव किया, मैं अपनी भाषा में कहना चाहूँगा, इतना इनको स्नेह हमें नहीं दिखाना चाहिए था। हम लोग आराम से CM House का घेराव करते हैं, हमारी मांग पत्र को उनको देते हैं, उनके समझ में आती तो करते हैं, नहीं करते हैं। हमें भी पता है इस बात का कि ये लोग अगर 5000 लोगों की नौकरियाँ खा सकते हैं तो राजस्थान में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये किसानों के पक्ष में नहीं है, ये नौजवानों के पक्ष में नहीं है, ये लोग जिंदा दफनाने का काम करते हैं। जिस तरीके से आज लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ऐसे कृत्य करना अपराध है और इन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। सवाल आपसे ये भी है कि आपके यहाँ से सूचना मिली है कि इंटरनल भी वार किया गया पुलिस द्वारा। देखिए, सारे जो वार हैं वो इंटरनल किए गए, पुलिस के कुछ लोग, इनमें पुलिस के कुछ लोग ऐसे थे जो BJP के भक्त हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, इन लोगों ने अंगना हमारे मार्ग पर सजाया, वहाँ दिल्ली में इन्होंने सरिये बिछा करके सजाया, अभी हमारे कहीं किसी साथी के सीने पे सजा होगा, किसी के पैर पे सजा होगा, मेरे पीछे पीठ पे सजा है, तो ये अंगना सजाने का काम करते हैं। देखिए, इनकी कहीं कोई गलती नहीं है, ये रंगा बिला जो आदेशित करेंगे दिल्ली की सरकार है साहब, दिल्ली से चलते चिट्ठी पत्री आ गई होगी, प्रसाद देना है, इन्होंने अच्छे से प्रसाद देके भेजा है। लोकसभा चुनाव में इनको पता चल जाएगा, आने वाले लोकसभा चुनाव है उनमें जैसे बर्ताव कर रहे हैं उनको ये पता चल। अंतिम सवाल आपसे ये था कि कितने आपके कार्यकर्ता हैं जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं अभी? मेरे ख्याल से 100 से आंकड़े स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमारे इतने साथी चोटिल हुए हैं कि जब आंकड़े आपके सामने आएंगे तो पूरे राजस्थान का दिल दहलेगा कि पुलिस ने किस प्रकार की बर्बरता। ये आंकड़े नहीं आने देंगे क्योंकि अस्पताल भी इनके हैं, प्रशासन इनका है, देश का चौथा लोकतंत्र इनका है। ये लोग अंग्रेजों से बेहतर लोग हैं सर, आप समझो इस बात को। देश का युवा जब तक नहीं जागेगा, जब तक इनके खिलाफ संघर्ष नहीं करेगा, यहाँ स्थितियाँ वो आ जाएंगी जब आमने सामने की लड़ाई होगी, जब ये रंगा बिल्ला हमारे सामने खुद लड़ेंगे। ये जब जब भी हमसे डरते हैं, पुलिस प्रशासन को आगे भेजते हैं, ये प्रशासन भेजने की बजाय ये हमारे प्रशासन क्या है, हमारे माँ बाप भाई बहन कहीं ना कहीं कुटुंब के लोग लगे हुए, वो हम पे लाठियाँ बरसाते हैं। जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी के साथ में कि इनकी कुछ भी, इनकी जमानत भी नहीं बचेगी। और यही व्यवस्था है, यही एक प्रणाली है कि लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। संघर्ष के बैनर तले यूथ कांग्रेस के साथियों के मार्फत मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम कभी नहीं डरेंगे, मत डरो, राहुल गांधी के मजबूत सिपाही हैं, हमेशा लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, महिलाओं के पक्ष में, बेरोजगार साथियों के पक्ष में, किसानों के सम्मान में। तो ये युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने लाठियां खाई हैं यहाँ पे, पुलिस की बर्बरता जो है वो यहाँ पे देखने को मिली है। हाल फिलहाल एक कार्यकर्ता और जुड़ चुके हैं, क्या किस प्रकार देखते हैं पूरे माहौल को? सर, ये आज आप देख रहे हो, मीडिया, तमाम मीडिया यहाँ मौजूद था राजस्थान में। आज ये भाजपा की सरकार, भजनलाल की सरकार, जो कि चिट्ठी पत्री की सरकार है, इनको आदेश दिल्ली से आते हैं, रंगा बिल्ला बैठे हैं, सूट बूट के मोदी जी हैं। मोदी जी को गरीब अमीर किसान का कोई दर्द नहीं है, महिलाओं का कोई दर्द नहीं है। राजस्थान की भजनलाल सरकार को 5000 युवा बैठे हैं, उनका कोई मतलब, इन्होंने आते ही कहा 3 महीने से हमने बहुत कुछ कर दिया। यार क्या कर दिया तुमने, रोजगार बोलने के नाम से वोट ले लिए, राजस्थान में सरकार बना ली तुम्हारी भाजपा की, और ये कहते हैं कि ये राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार ने क्या दिया राजस्थान? अरे यार, उसने 22 जिले बना दिए, इतने इतने योजनाएं दे दी, योजनाओं को देखते हुए राजस्थान में सरकार बननी थी, पर इन्होंने ऐसा EVM हैक करके सिस्टम से सरकार को वापस गिराने का काम किया। और आज युवा अपनी आवाज़ उठाने को जब आया तो इन्होंने बैरिकेड लगाए, बैरिकेड के साथ हमारे पुलिस प्रशासन के भाई लोग हैं, इन्होंने हमारे साथ था बर्बरता हालात किए, हमारे साथियों को डंडे से और पानी फेंकने का काम किया और लाठियां चलाने का काम किया। हमारे कई साथी, सैकड़ों साथी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, कईयों को जेलों में डाल दिया गया है और हमारे वर्कों को इतना मार मार कर सड़कों पे लिटा दिया गया। और मैं एक बार यही कहूँगा, युवा जब जब जागा है, भाजपा सरकार हमेशा ही डरी है, तो इसीलिए हम युवा कांग्रेस के साथी हैं, हम राहुल गांधी जी के साथी हैं, हम उस इंदिरा गांधी के सिपाही हैं, हम उस राजीव जी के सिपाही हैं, हम उस सोनिया गांधी जी के, हम आदरणीय अशोक गहलोत जी के, श्रीनिवास जी के युवा कांग्रेस के साथी हैं, हम हमारे साथियों के साथ खड़े हैं। जब जब हमें किसानों के, माताओं बहनों के लिए, युवाओं के लिए लड़ना पड़े, हम सड़कों पर उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।
देखिए ये युवा कांग्रेस थे, युवा कार्यकर्ता थे जो लगातार अपनी मांग को लेकर यहाँ से ओटीएस जा रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल इनको रोक दिया गया है। लाठीचार्ज किया गया था, वाटर कैनन से इनके ऊपर पानी की बौछारी डाली गई थी भयंकर रूप से, तब जाके यहाँ से यह साफ हुआ, रास्ता साफ हुआ। हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि अब कार्यकर्ता जो है अपने अपने घर जा चुका है और कुछ कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं जिनको थाने ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि युवा कांग्रेस है वो जो न्याय का संगनाद किया था वो कहाँ तक अब आगे बढ़ पाता है। सहयोगी कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।